एक बार अपनी कला के उद्गम की तरफ तनिक मुड़कर देखें, वहां कोई होगा कृष्ण की कथा सुनाता एकदम सम्मुख, जहां मुख भाव से कथा मूर्त हो जाती थी, वहीं अंगांगों के भाव से सम्मुख एकदम समीप प्रकट होती रही। फिर वह एक साथ मंच पर आए, भांति भांति के प्रेक्षक और इतने समीप दर्शक कि देह भाव नख से शिख तक बहुत नजदीक से नजर आने लगे। जो नृत्य के रूप में अवतरित था, जहां सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों का अवलोकन संभव था, पद संचालन, घुंघरुओं का कथ्य भाव एकांतरण, कसक मसक, नेत्र संचालन, ब्रो संचालन, मुखांगों के भाव तथा हस्तकों से अवतरित अदृश्य बोल भाव और देह से उतरता सजीव कथानक, यही तो है कथक का मूल स्वरूप, जो आज आभासीय हो गया है। हमारे साथ उपस्थित हैं कथक के जयपुर घराने के विद्वान गुरु नारायण प्रसाद जी के काबिल सुपुत्र चरण गिरधर चांद जी। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार। कुछ अन्य गुरु जिनको विरासत में कथक नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कथक को आत्मसात किया, कथक को अपनाया, उनमें से हैं पूना स्थित सुश्री क्षमा भाटे जी। की एक बहुत ही काबिल शिष्या, जो आज अपने कथक की साधना के साथ में एक बहुत स्थापित गुरु हैं, चिंतक हैं और बहुत सारे शिष्यों के साथ में कथक को प्रसारित कर रही हैं। चित्रा जी नमस्कार। गुरु काजल शर्मा। बहुत खूबसूरत नृत्यांगना, पद्म विभूषण बिरजू महाराज जी की बहुत प्रिय शिष्याओं में से एक काबिल शिष्या। नमस्कार। हमारे साथ डॉक्टर मांडवी सिंह। गोरी सलोनी तो ये है कथा। इसी शैली की नृत्यांगना है खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मांडवी सिंह। जिन्हें
संगीत विश्वविद्यालय की प्रदेश की पहली महिला कुलपति होने का गौरव हासिल है। घर में विरोध के बावजूद मांडवी ने कथक की शिक्षा दीक्षा ली और फिर ऐसी डूबी जैसे कोई ईश्वर आराधना में खो जाता है। आप सबको मेरा नमस्कार। तो आज के संदर्भ में जो कि ऑनलाइन क्लासेस द्वारा शिक्षा दी जा रही है और साथ ही डिजिटल माध्यम से प्रस्तुतियों का एक बहुत प्रचलन शुरू हो गया है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है चरण गिरधर जी? जय मेरे पिता को। नृत्य में जैसा कि आपने पूछा कि महफिल में मैंने किया या नहीं किया, हमारे टाइम में कुछ इस प्रकार के प्रोग्राम होते हैं जिन्हें रात्रि जगवा कहते थे, मतलब रात भर जैसे जागरण होता है ना उसी तरह राति जोगो, राजस्थान में राति जोगो है और उसको उसका एक नियम निर्धारित कर दिया था कि हर महीने के आखिरी शनिवार को रात को पूरी रात का कार्यक्रम होगा और खुला निमंत्रण है सारे कलाकारों को, दिल्ली के बात ही, और दिल्ली के सारे विद्वान किसी भी घराने के हों किसी के सबको सादर आमंत्रित होते थे। रात भर चाय नाश्ता भी चलता रहता था और दूसरे दिन फिर सब लोग का पूरी सब्जी लड्डू वगैरह इस किस्म की चीजें खिला के सब लोग कलाकार विदा होते थे क्योंकि दूसरा दिन रविवार होता था। तो उसमें जो महफिल वाला तो रंग नहीं होता था लेकिन महफिल से भी कहीं बहुत ज्यादा आगे होकर उसमें कलाकार पूरी तैयारी के साथ आया करते थे और उसमें नृत्य करते थे जिसमें सारे दिल्ली के विद्वानों ने किया है और मैंने भी बहुत बार उसमें डांस किया है। मेरे पिताजी मेरे को नचाते थे उसमें। तो वो महफिल नहीं होके जागरण जैसा एक होता था और उसमें हम नृत्य करते थे। इस तरीके से हमारी कला और भी परिपक्व होती जाती थी क्योंकि हमें मालूम होता था कि हमें आखिरी इतवार को कुछ करना है तो हर बार कुछ ना कुछ नया तैयार करके लाना पड़ता था। समय बदलता रहा, मंच मिल गए, कई देशों में जाकर सिखाया, प्रदर्शन किए, 12 नृत्य नाटिकाएं बनाई और बड़े बड़े मंच मिले, बड़े बड़े हमने उसके अंदर सेट डिजाइनिंग करी, लाइट इफेक्ट किए, सब किए, लेकिन अभी समय बिल्कुल कुछ ऐसा आ गया है कि लॉकडाउन हो गया है सारी जगह। सिंगापुर में भी हम अपने घर के अंदर ही बैठे हैं लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा क्योंकि अभी तो ये भी सुनने में आया है कि पता नहीं ये इस प्रकार का समय कब तक चलता रहेगा, तो हमें इसके साथ समझौता करना जरूरी है। तो इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप ऑनलाइन क्लासेस जो करते हैं वो 100% बहुत परिपक्व हो सकती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जूम पे या फेसबुक पे जब आप करते हैं तो काफी कुछ आप उसको अच्छे ढंग से, अगर आपको टेक्निकल वो समझ लेना चाहिए कि कैसे इसको ऑपरेट करना है, मेरा बेटा उसमें मदद करता है राजेश श्याम, और दूसरी तरफ तो मेरे को भी अब कुछ कुछ समझ में आ गया है। तो इस लॉकडाउन में ना चाहते हुए भी अब हम कुछ ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। मैं जो ऑनलाइन क्लासेस करता हूँ उसमें सिंगापुर के अंदर सिंगापुर के विद्यार्थियों को सिखाता हूँ, वो अपने घर पर बैठ के सीखते हैं, मैं अपने घर से सिखाता हूँ, और न्यूजर्सी USA में भी सिखाता हूँ, अभी मॉरिशस से भी फरमाइश है, इंडिया से भी कुछ लोग चाहते हैं कि मैं वहाँ पर भी ऑनलाइन क्लासेस करूँ। तो अब थोड़े टाइम के लिए या जितना भी समय है कुछ ना कुछ समझौता करना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्या कि हमारे सारे रोजगार भी बंद हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो रोजी रोटी का सवाल भी सामने आ जाता है, इसमें कोई संकोच नहीं है कहने के लिए। तो इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि ऑनलाइन जो हम क्लासेस करते हैं वो जब तक सही समय नहीं आ जाता है, खुले पूरा वातावरण खुल नहीं जाता है, तब तक हमको कुछ ना कुछ ऐसे करते रहना चाहिए। चरण गिरधर चांद जी, आपने जो आपका अनुभव है कथक की प्रस्तुति को लेकर वो आपने हमसे साझा किया। मैडम शमा भाटे जी, गुरु शिष्य परंपरा में की शिक्षा
और आज ये जो ऑनलाइन शिक्षा है इसके विषय में आपके क्या विचार हैं? उन थोड़े गिने चुने लोगों में से मैं हूँ कि जिनके बैकग्राउंड में कोई भी गाने बजाने वाला नहीं था, मगर सौभाग्य से मैं रोहिणी जी के पास पहुँची। आपको मालूम है कि सही टाइम पे सही गुरु के पास पहुँचना कितनी अहमियत रखता है। तो मैं सही टाइम से, उनकी छोटी बच्ची थी 8-9 साल की, तभी सीधे मैं रोहिणी जी के यहाँ पहुँची और मेरी कथक की पूरी तालीम उनसे हुई। तो विरासत में तो मुझे बहुत कुछ मिला, क्योंकि रोहिणी जी के गुरु जी मनोज कल्याणपुरकर, लच्छू महाराज जी, सबकी जो तालीम उन्होंने पाई थी वो उन्होंने वो भी सिखाई, उनकी अपनी चीज़ें भी मुझे सीखने में मिली, गहराई में सीखने मिली। जैसे कहते हैं पैर का रखाओ, हस्तक कैसे रहे, गर्दन कैसे रहे, नज़र कैसे रहे, सबकी तालीम डिटेल में उन्होंने मुझे दी। भाव पक्ष पे तो उनका अधिकार था, बहुत बारीकियों से कैरेक्टर को देखती थी और जैसे कहते हैं कि पूर्जा पूर्जा निकालती थी भावना का, और बहुत अच्छी तरह से समझाती भी थी और बहुत बार करके दिखाती भी थी। तो इस वजह से जब तक सीखने वाले को नहीं आता था वो करवाती भी थी और करके दिखाती भी थी, तो उसका आँखों के सामने चित्र बनता था और समझने में आसानी होती थी। फिर मेरे दूसरे गुरुजी पंडित सुरेश तलवलकर जी के पास मैं गई, क्योंकि मुझे लय पक्ष का एक चस्का था, सीखने का मन था, ऐसे लगा कि शायद इस पक्ष में मैं थोड़ा काम कर सकती हूँ, करके मैं उनके पास सीखने गई। वहाँ भी वैसे ही न रोहिणी जी न सुरेश जी, दोनों भी मेरे गुरु घरानेदार तो है नहीं, मगर उन्हें घरानेदार लोगों से तालीम मिली। तो रोहिणी जी के दोनों भी, लच्छू महाराज जी तो लखनऊ घराने के थे और मोहनराव जी नहीं थे, और सुरेश जी के भी दोनों गुरु घरानेदार नहीं थे, मगर उनके पास विरासत थी। गजानन मोह जोशी जी, गुरु पंडरीनाथ नागेशकर जी, फिर पंडित राम नाडेश्वरन जी जो कर्नाटक संगीत के विद्वान, उनसे जो तालीम सुरेश जी ने पाई थी उसके हर चीज़ मुझे सीखने मिली। नैताल के बहुत सारी बंदिशें, बहुत सारे डिज़ाइंस, अलग अलग डिज़ाइंस सब मुझे सीखने मिले। मगर इससे भी ज़्यादा मैं अहमियत इसको देती हूँ कि उन्होंने म्यूज़िक समझाया। कथक कलाकार के लिए म्यूज़िक समझना, बारीकी से समझना कितनी अहमियत रखती है सब जानते हैं। तो कंठ संगीत के जितने भी गुरु थे उनके, जैसे फयाज खां साहब हो, अब्दुल करीम खां साहब हो, मुगुबाई कुर्डीकर हो, सब क्यों कर्नाट जी ठाकुर हो, सो सब घराने के सब बुजुर्गों का कंठ संगीत बंदिशें मेरे मुझे सुनने में भी मिली, उनकी खासियत समझ में आई और वो गाते भी थे तो उन्होंने वो गा के समझाया। फिर तबले के गुरु उस्ताद तिरखवा खां साहब हो, फिर अमीर हुसैन खां साहब हो, सबकी चीज़ें हमें उन्होंने सिखाई और समझ में आई। तबले की भी बातें, टेक्निक हो, उसका शास्त्र हो, सब समझ में आया। तो इसको मैं ये मानती हूँ ज़रूर कि विरासत में हर चीज़ मुझे मिली। मैं घरानेदार नहीं होते हुए भी मुझे विरासत में हर चीज़ मिली। मगर मेरा एक सोचना हमेशा रहा है कि जो हम लोग विरासत घरानेदार नहीं होते, उनको ये चीज़ें मिलने में एक प्रयास करना होता है, कोशिश करनी होती है। घरानेदार जो लोग होते हैं उनको तो बचपन से घर में डांस के बोल सुनने मिलते हैं, नाच दिखाई देता है, ठुमरिया सुनाई देते हैं, तबले बाए दिखाई देते हैं। हम लोग को तो तानपुरे सुनने में शायद 13-14 साल की उम्र लगी हो, तो एक वो प्रोसेस लंबा हो जाता है, ये मेरा ज़रूर सोचना है। दूसरी चीज़, आप गुरु परंपरा की कह रहे थे, मैं वैसे क्लास में सीखी हूँ, रोहिणी जी के घर रह के तो मैंने कभी नहीं सीखा, मगर मैं समझती हूँ कि गुरु परंपरा का यह मतलब है कि गुरु लोग शिष्य की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और जवाबदेही भी होती है। तो शिष्य को अच्छे से सब चीज़ समझाना और उनका
उनको सेटल करना करियर में, यहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे गुरुओं ने ली। और मैं वो समझती हूँ कि गुरु परंपरा का सही मतलब वही होता है कि कभी भी बहुत ही सरदायता से, उदारता से सब चीज़ें समझाना, सिखाना और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना कि शिष्य को सही जगह पहुंचाना, शिष्य को पूरी चीज़ जो उन्होंने अपने गुरुओं से समझाई वो भी, और उनके खुद की सब समझाना। इसको मैं गुरु शिष्य परंपरा की असलियत मानती हूँ। आजकल की आप बात आपने की कि आजकल तो ऑनलाइन सिखाना शुरू हो गया, तो मैं सोचती हूँ कि जब हम लोग सीखते थे तब तो वर्कशॉप का भी ज़माना नहीं था, सीना बसीना तालीम होती थी। गुरु के सहवास और संस्कार का महत्व उतना ही था जितना प्रत्यक्ष तालीम का, मगर ज़माने के साथ साथ हर चीज़ बदलती है। तो वर्कशॉप का एक ज़माना शुरू हो गया, मैंने भी वर्कशॉप में सीखा है, महाराज जी से सीखा, मोहनराव जी से भी, वर्कशॉप में तो नहीं मगर दूर रह के सीखा, सहवास में सीखा। तो मैं समझती हूँ कि एक संस्कार, एक हद तक आप परंपरा को समझते हो उसके बाद आपको संस्कार तो वर्कशॉप के थ्रू मिल सकता है अगर आप में उतनी चाहत हो, उतनी भक्ति हो। और मैं भी वर्कशॉप में सिखाती हूँ, मगर मैं ये समझती हूँ कि वर्कशॉप में मैं जिनको सिखाती हूँ उनको मैं वैसे, वो मेरे पास सीखते हैं ऐसे समझते हो, उनको मैं अपना शागिर्द नहीं मानती। और वैसे ही मैं जिनके पास सीखी हूँ उनके मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, उनकी वजह से मुझे बहुत सीखने मिला ये कहती हूँ, मगर शागिर्द होने का दावा नहीं करती हूँ। तो रही तो ऑनलाइन की बात, ऑनलाइन तो उससे भी दुरुस्त हो गया, ऑनलाइन में तो वाइब्रेशंस भी नहीं मिलते, थोड़ी देर के भी नहीं के लिए जो वर्कशॉप में मिलते हैं वो भी नहीं मिलते। मगर फिर भी वही ज़माना बदल जाता है, हम भी बदल जाते हैं, तो परंपराएं भी बदलनी होती है। मैं सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट जो भी आप कहे वो समझ के समझती हूँ, ऑनलाइन भी सिखा रहे हैं, नहीं तो पूरा ही कनेक्शन ख़त्म हो जाता था। जो ऐसे एक मुकाम पे शिष्य होते हैं कि इतनी गैप बड़ी चली जाती है तो उनका इंटरेस्ट भी ख़त्म होने लगता है, कम होने लगता है। इसके बजाय ये तो ज़्यादा अच्छा है कि कम से कम ऑनलाइन उनके साथ एक रिश्ता बना रहे, उनका गुरु से रिश्ता बना रहे ये तो एक बात है, मगर कथक से रिश्ता बना रहे, इसको मैं बड़ी बड़ी बात मानती हूँ और बड़ा महत्व मानती हूँ। शमा जी, आपके विभिन्न गुरुओं के साथ अनुभव और उनके साथ की शिक्षा आज हम सभी को लाभान्वित कर रही है और अपने दर्शकों को भी ये लाभ देगी। आप ऑनलाइन क्लासेस के बारे में एक टेम्परेरी फेस मानती हैं कि हाँ, ये आज के स्थिति को देखते हुए एक ज़रूरी है। हमारे साथ काजल जी, आपका क्या विचार है कि जो हम इस गुरु शिष्य परंपरा जिसकी पकड़ से और जिससे एक शिष्य का एक सृजन होता है, तो आज क्या ऑनलाइन क्लासेस से ये संभव है? कथक का अगर हम इतिहास लेते हैं, मंदिरों से निकल के फिर दरबारों तक, उसके बाद मंच पर, इन सब स्थानों में कथक ने जब ट्रेवल किया तो काफ़ी समय का अंतर रहा, इसमें काफ़ी शताब्दियां लग गईं, काफ़ी समय लगा, लेकिन मंच से निकलकर मोबाइल तक कथक को आने में बहुत कम वक्त लगा, बहुत अनप्रिडिक्टेबल था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से सब लॉकडाउन होगा। तो कथक के बारे में ख़ास अगर मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि विजुअल आर्ट है, मंच पर जब हम देखते हैं स्पेस होती है, विड्थ होती है, म्यूजिशियंस होते हैं, माइक होता है, साउंड है, लाइटिंग है, कॉस्ट्यूम है, और एक पूरा ऐसे एक माहौल बन जाता है जिसमें कि दर्शक बिल्कुल उसमें एक साथ में एक जर्नी लेता है कलाकार के।
कलाकार अपना एंजॉय करता है, अपना मंच पे अपना कला का प्रदर्शन करता है और दर्शकों को साथ में लेके वो चलता है। उसके आनंद से दर्शक उसके नृत्य का आनंद लेते हैं। लेकिन अब मोबाइल पे सिमटने की वजह से परख ऐसी हो गई है कि हर एक के हाथ में मोबाइल होता है, हर जना जूम कर सकता है और हर जना वॉल्यूम कमती बढ़ती भी कर सकता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि नज़दीक तो आए हैं हम मोबाइल की स्क्रीन के थ्रू, लेकिन उसमें बहुत समझौते करके, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करके आए हैं, और जिसका असर मैं नहीं समझती कि कथक शैली पे एज इट इज़ पड़ेगा। जो सदियों से चीज़ शाश्वत है, सुंदरतम है और जो हमेशा ही अपनी ट्रेडिशनल परंपरागत शास्त्रीयता को का निर्वाह करती हुई आई है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर पड़ने वाला है नहीं। अंतर कहाँ पड़ेगा? अंतर जैसे मैंने बताया कि स्पेस है, लाइट है, साउंड, माइक, प्रिपरेशन, तो अब ज़्यादा बारीकियाँ दिखाई दे रही है कलाकार की, क्योंकि स्क्रीन पे आप जूम करके देख सकते हैं। तो सिर्फ ये, मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, आशावादी हूँ, मैं समझती हूँ कि ये फेस आएगा, निकल जाएगा और कलाकार हम सब अपनी अपनी तरह से कला की सेवा करते रहे हैं, करते रहेंगे, और बहुत ज़्यादा कथक पे इसका असर नहीं आने वाला। ये टेम्प्रेरी फेज़ है मैं ऐसा मानती हूँ, और ये जल्दी से ठीक हो जाएगा और वापस कथक मंच पर आएगा। काजल जी, आप आशावादी हैं और कथक शाश्वत है, इसमें कोई शक नहीं, और आप आश्वस्त भी हैं और आशा भी रखती हैं कि इस परंपरा को, इस ऑनलाइन क्लासेस से कोई हानि नहीं पहुंचेगी। हम भी यही चाहते हैं कि कथक अपनी समृद्धता बनाए रखे। हमारे साथ डॉक्टर मांडवी सिंह, आप चूंकि एक शिक्षाविद भी हैं, नर्तिकी भी हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? कथक परंपरा ही नाम से हम जानते हैं कि ये एक परंपरा है और बहुत ही समृद्ध परंपरा है, बहुत ही खूबसूरत परंपरा है। तो ये परंपरा सालों से चली आ रही है और आगे भी पता नहीं जब तक दुनिया रहेगी ये परंपरा चलती रहेगी। वर्तमान समय में, आज का समय, COVID-19 के समय की बात यदि करें तो तब हम कथक परंपरा को कैसे देख रहे हैं, इस पर बात करनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज का जो परिदृश्य है, आज के जो हालात हैं, उस समय में हमको, हमारे सामने एकमात्र रास्ता है कि हम ऑनलाइन कथक को कैसे सीखें, कथक नृत्य को हम कैसे देखें, कैसे जानें, कितना जानें, अधिक से अधिक जानें, जबकि हमारे पास और दूसरी चीज़ों में हम इतना नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो लगता है कि ये इस परंपरा को उस माध्यम से देखने के लिए हमारे पास वक्त है। और ये जो शंका हमारे मन में आती है कि कथक का जो ट्रेडिशन है, जो गुरु शिष्य परंपरा की बात होती थी और फिर एक समय बदलाव आया है कि गुरु शिष्य परंपरा से ये क्लासरूम टीचिंग में आ गया या संस्थागत शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत इसकी शिक्षा होने लगी और फिर सिलेबस फॉर्म लर्निंग इसका हुआ। तो ये सारे तो परिवर्तन हो रहे थे, हुए हैं और हम सब ने स्वीकारा है, बड़े बड़े महान गुरुओं ने इसको स्वीकारा है, इस बदलाव के साथ वो अपने आप को लेते हैं और कथक को और समृद्ध किया। आज के बाद चूंकि चित्रा जी ने ये कहा है मुझे कि आप एक शिक्षा के नाते आप क्या समझती हैं, क्या देखती हैं, तो शिक्षाविद जरूर मैं हूँ, आज कुलपति हूँ एक इंस्टीट्यूशन, एक यूनिवर्सिटी की, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की, जो कि पूरी तरीके से प्रदर्शनकारी कलाओं के लिए समर्पित है। और ऐसे माहौल में तो लगातार मुझे सोचना पड़ रहा है और मैं सोच रही हूँ
तो जैसा मैंने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमारे पास एक ही रास्ता है अभी कि हम ऑनलाइन माध्यम से कैसे अपने गुरु से अपने शिक्षा से या पिता से जुड़ सकते हैं। जो कथा की परंपरा का मतलब यदि मुझे लगता है, मैं ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल एकमात्र वही शिक्षा की गुरु के सानिध्य मुझे उनको पाना है, तो उसका तो कोई विकल्प है ही नहीं, वो उसका कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। और वो स्थितियाँ आएंगी ऐसी कि वापस हमको अपने गुरु का सानिध्य उतना नहीं मिलेगा, शिक्षक को विद्यार्थी हमें सामने मिलेंगे, विद्यार्थी को शिक्षक मिलेंगे, और उस तरीके की जो शिक्षा होगी उसका तो कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। और ऑनलाइन टीचिंग या वर्चुअल क्लासरूम टीचिंग के बारे में जो मेरी सोच है, आप मुझे लगता है आप सब मेरे से सहमत भी होंगे कि उस शिक्षा को ऑनलाइन माध्यम से जो रिकॉर्डेड वापस मटेरियल है उसको उसमें हमको शिक्षित होने के लिए हमको उसका बेसिक पहले से ही तैयार होना होगा उस विद्यार्थी का, उस व्यक्ति का। और वो बेसिक जो शिक्षा है, वो जो मूल शिक्षा है, वो तो गुरु के सानिध्य में जो मिला हुआ है वही होगा। और आगे के लिए भी हमको उतनी ज़रूरत होगी उस लेवल तक जाने के लिए। यदि ये कहा जा रहा है कि अब ऑनलाइन माध्यम को भी अपनाते हुए हमको आगे बढ़ना होगा, तब की बात है। और मैं कहना चाहूँगी कि मेरे जो दो गुरु प्रोफेसर पी डी आशीर्वादन जो कि अभी नहीं है, वो तो पक्के अनुयायी थे, परम गुरु भक्त थे। और अभी भी मैं सीख रही हूँ, और अभी वर्तमान में मैं पंडित जयकिशन महाराज जी के पास जाती हूँ, उनसे मिलती हूँ, उनसे मैं शिक्षा ले रही हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको जरूर देना चाहूँगी कि इस बात को जो मैं कह रही हूँ उसको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। कि एक दिन की बात है कि कथा का जो मुख्य भंगिमा है, जो पोस्चर है उसका शुरुआत का, वो खड़े होना, ये इस भंगिमा ये मुझे ये अपने आप में मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो कथक को देखना, जानना, समझना मुझे बहुत पसंद है। तो पहली बात जो है जो ये है, नर्तक खड़ा होता है, मेरा विद्यार्थी खड़ा होता है, तो मैं देखती हूँ कि सब अपने अपने तरीके से खड़े होते हैं। हर एक गुरु का शागिर्द अलग तरीके से खड़ा होता है, या एक गुरु के शिष्यों में भी अलग अलग तरीके से लोग खड़े होते हैं। तो एक बात मेरे मन में थी, मैंने पंडित जयकिशन महाराज जी से पूछा कि भैया ये कैसे होना चाहिए, ये कैसे बनाना चाहिए इस पोस्चर, मैंने उनसे पूछा। तो उन्होंने देखा ध्यान से और मुझे उन्होंने कहा कि ऐसा बनाइए इसको कि ये सड़क ना हो दोनों के बीच का गैप, आप उसको गली बनाइए। अब बताइए उसमें सारी बातें हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा नीचे करो, थोड़ा इधर करो, उधर करो। तो ये कथक परंपरा की शिक्षण पद्धति है। इसमें यदि समझदार है विद्यार्थी तो इसमें सारी बात है। उन्होंने कह दिया कि कैसे रखना है उसको, किस भावना के साथ रखनी है। और उसके बाद मैंने बनाया, हो सकता है मैंने उनके अनुरूप मैं नहीं बना पाई होंगी, जो भी बात होगी। तो थोड़ी देर के बाद खड़े होकर उधर से गुजर रहे थे तो आके उन्होंने इसको हाथ से ठीक किया कि कितना कड़क होना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया टच करके कि ये पोर्शन जो है साइड का दिखना चाहिए सामने की तरफ से। तो ये शिक्षा कहाँ मिलेगी ऑनलाइन में? तो ये तो गुरु के साथ ही सानिध्य में इतनी गहराई, और ये एक प्रक्रिया के तहत इसकी शिक्षा होती है, और ये गुरु के सानिध्य में ही मिलेगा। और वर्तमान स्थिति में हमको कैसे इस परंपरा को आगे बढ़ाना है, इस परंपरा के साथ जुड़े रहना है, इस पर सोचना है। और हम सबके साथ से सहयोग से मुझे लगता है ये परंपरा इस दौर में भी बहुत कुछ अपनाते हुए आगे की ओर विकसित होगी। और ये अच्छी बात है कि
हर एक स्थिति में जो कथक की बात करूं, कथक के कलाकार, कथक के गुरु, कथक के विद्यार्थी स्थिति के अनुसार कोशिश करते हैं कि कैसे हम उसे जोड़ पाए। मैं देख रही हूँ आज कितने विद्यार्थी ऑनलाइन परफॉर्म करते रहते हैं आपस में मिलकर, पर सबसे बड़ी बात पंडित बिरजू महाराज, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि वो कथक की विधा में ऐसे महान गुरु हुए हैं। आप बताइए, आज हम सोच रहे हैं कि कैसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़े, पर वो पिछले कुछ सालों से ही वो, मुझे लगता है कि 5-7 साल से वो ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ गए हैं। उनका उनका क्या, उनके पास तो लोग आने के लिए, सीखने के लिए तरसते हैं, पर वो लोगों तक पहुंचने के लिए, हर एक कथक के विद्यार्थी तक पहुंचने के लिए उन्होंने इस माध्यम को भी अपनाया। उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के में, इसी शिक्षा पद्धति में उन्होंने, मुझे लगता है कि 2015 में प्रसार भारती के आर्काइव्स में उन्होंने कथक शिक्षण पर बहुत अच्छा काम किया है, और एक ही के स्टेज पर कैसे कथक की शिक्षा होनी चाहिए उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिया है, इस पर चर्चा की है। पर वहाँ भी उन्होंने ये कहा है कि ऑनलाइन शिक्षा को ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी को एक स्तर तक गुरु के सानिध्य में सीखना होगा, तब वो इस माध्यम से ज़्यादा लाभ उठा सकता है। और ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए कि बिरजू महाराज जैसे कलाकार को हम, उनसे शिक्षा ले पा रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, हम रिकॉर्ड करके बार बार पॉज कर पा रहे हैं, बार बार हम उसको रिप्ले करके देख पा रहे हैं, हम शिक्षा ले पा रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारा देखने का दृष्टिकोण बहुत क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से हम इसको लें। और ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे बड़े बड़े महान गुरु भी इस माध्यम से आ रहे हैं और कथक के प्रचार प्रसार के लिए, संगीत के प्रचार प्रसार के लिए, संगीत की शिक्षा के लिए और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। और मैं यही संदेश देना चाहूँगी आज के इस बात से कि ये वर्तमान समय की आवश्यकता है कि हमको ऑनलाइन माध्यम के साथ कैसे जुड़ना होगा, और मुझे लगता है कि वर्तमान समय की आवश्यकता को हम साथ लेके आगे भी हम और समृद्ध कर सकते हैं कथक को। पर गुरु के सानिध्य में कथक सीखना, गुरु के देख रेख में सीखना, इसका विकल्प नहीं है और इसका विकल्प कभी नहीं होगा। आप सभी का इस मंच पर आने के लिए आभार। आप सबके विचार और अनुभव, इन्होंने एक बार फिर एक प्रश्न खड़ा किया। मैं फिर एक चिंतन की तरफ ही हूँ और मुझे लगता है कि हमारे सुनने और देखने वाले भी एक प्रश्न के साथ ही अवश्य होंगे, और उन प्रश्नों के उत्तर हम ढूंढेंगे आप जैसे और विद्वान गुरुओं के साथ में। आप सभी का आभार।